हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मना पाया करूँगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ मात्र 3 स्टेप में काम करके कैसे होंगे बैलेंस करना। चलिए स्टार्ट करता है। पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं उसको मैं डिवाइड करूँगा, LHS एंड RHS में डिवाइड करता हूँ मैं इसको। जो एलिमेंट की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुटअप करूँगा। सिल्वर 1, देन नाइट्रोजन इज 1, ऑक्सीजन 3, प्लस का 4, टोटल 7, देन पोटेशियम इज 2, देन सल्फर इज 1। यही काम आपको इधर भी करना है। सिल्वर इज 2, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 4 प्लस 3, टोटल दे रखा है 7, देन पोटेशियम की वैल्यू 1 दे रखी है, सल्फर इज 1। क्लियर? ये तो वैल्यू दे रखी है हमारी, और ये होता है फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर वैल्यू को लिखा जाता है जो हमारी वैल्यू होती है। अब आते सेकंड स्टेप, आते हैं यहाँ पर पता लगाते हैं कैलकुलेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर 1 एंड 2 डिफरेंस आ रहा है, नाइट्रोजन 1 सेम है, ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, पोटेशियम 2 एंड 1 डिफरेंस, सल्फर 1 एंड सल्फर भी 1 दे रखा है। तो आपने देखा कुछ नंबर सेम है, कुछ नंबर हमारे सेम नहीं है, मीन्स ये हमारे केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस ही नहीं है, मीन्स यही हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। मैं यहाँ पर एक छोटी से ट्रिक यूज़ करूँगा जो आपको पूरा देखना चाहिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जिससे क्या होगा केमिकल इक्वेशन आपको बेहद आसान लगेगा। देखें आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पोटेशियम 2 है, क्या करेंगे यहाँ पर वन, क्या करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेशियम कितना हो गया हमारा, ये 2 हो गया, क्लियर हो गया, 2 और 2 हो गया। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा नाइट्रोजन में, तो ये भी क्या वैल्यू होगी हमारी 2 हो गई। 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा ऑक्सीजन में, 3 मल्टीप्लाई 2 6 एंड 4, टोटल कितना हो गया हमारा ये 10 हो गया, क्लियर हो गया, देखिए 10 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप जो वैल्यू चेंज हुई तो इधर भी हमें सेम करना होगा, तो फिर से हमें बैलेंस करना होगा। सिल्वर यहाँ पर 2 है, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, ये होगा 2 एक टप कीजिए यहाँ पर, सिल्वर 2 सेम, 2 का मल्टीप्लाई होगा नाइट्रोजन में, तो ये भी वैल्यू कितनी हमारे 2 हो गई, सेम और सेम हो गई। 2 का मल्टीप्लाई होगा हमारा ऑक्सीजन में, 3 मल्टीप्लाई 2, टोटल कितना हो गया हमारा देखिए 6 प्लस 4, टोटल 10 दे रखें, 10 एंड ऑक्सीजन 10, पोटेशियम 2 हो गया, सल्फर 1 एंड 1 सल्फर भी 1 है यहाँ पर। तो देखा आपने स्टेप नंबर 3 में हमारी केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, और बस यही एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करता हूँ मैं, जिससे मैं केमिकल इक्वेशन बेहद आसान कर देता हूँ। अगर आप भी चैनल में पहली बार आए तो आप भी बहुत आसान तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिए।